फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले बहुत ही टेस्टी यम्मी फ्रेंच फ्राइज, वो भी कच्चे केले के साथ। इसके लिए मैंने लिए हैं कच्चे केले। कच्चे केले इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। उसके अलावा तेल तलने के लिए हल्दी, मिर्च पाउडर, मैदा, चावल आटा, नमक। सबसे पहले मैं केले का छिलका उतार रही हूँ। उसके लिए मैंने दोनों साइड से कटिंग कर लिया है कॉर्नर को। अब जिससे हम लोग आलू छीलते हैं उस पीलर से मैं छिलका उतार रही हूँ। आप चाहो तो चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी छिलका निकाल सकते हो। बस हमें ऊपर का पूरा जो कवर है, छिलका है, उसे निकालना है। निकाल के एक बाउल में हम लोग पानी लेंगे। पानी लेके उसमें मैं डाल रही हूँ 1 स्पून नमक। नमक डाल के अब मैं इसमें रखूँगी केले। इस तरीके से केले रखने से केले काले नहीं पड़ते हैं। मैंने सारे केले के छिलके उतार लिए हैं। अब मैं इनको कटिंग करने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज के शेप में। साइड से मैंने काट लिया है। काट के अब मैं बीच में से पहले स्प्लिट कर रही हूँ। बीच में से काट के इनके पहले चौड़े चौड़े पीस कर लेंगे, उसके बाद इसके लंबे लंबे स्लाइस करेंगे इस तरीके से। ना ही बहुत ज़्यादा पतले, ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। इसी तरीके से हम लोग सारे केले कट करके रख लेंगे। कट करके मैं इनको साइड में रख रही हूँ। आप कोशिश करना कि आपके केले स्ट्रेट हों। सारे केले कट हो गए, इनका शेप भी परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 स्पून मैदा है। उसके बाद 1 स्पून चावल का आटा, यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मैंने डाला है नमक 1/2 स्पून। नमक डाल के अब मैं डाल रही हूँ मिर्च पाउडर और हल्दी। हल्दी मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ। मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो चावल आटा की जगह, पर मेरा इंटेंशन यही रहता है कि हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जो इजीली घर में अवेलेबल हो। इसलिए मैंने चावल का आटा लिया। अदरवाइज़ आप उसे स्किप करके सिर्फ कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तेल भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इन्हें कर रही हूँ फ्राई। फ्रेंच फ्राइज फ्राई करते समय तेल काफ़ी अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके हम पलटते हुए इन्हें क्रिस्पी या गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करेंगे। ये फ्रेंच फ्राइज बहुत जल्दी भी बनते हैं, बहुत टेस्टी भी बनते हैं। बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप एक बार बना के ज़रूर दीजिएगा उन्हें। ये फ्राई हो गए, मैंने निकाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं बाकी सारे फ्राई करूँगी। कच्चे केले में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसमें पोटेशियम तो रहता ही है, साथ में विटामिन सी, B6। इसके अलावा इसमें शुगर की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसके अलावा ये फ्रेंच फ्राई होते बड़े टेस्टी हैं। इसको बनाने के बाद इसके साथ सॉस, चटनी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये बहुत अच्छे लगते हैं। बट मैंने इसे सर्व किया दही के साथ। आप भी इसे बनाइए और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।